मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों की अर्थी को कंधा भी दिया। बता दें कि 26 अप्रैल की नक्सल हिंसा की इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुए हैं। राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में फिल्म दृश्यम की कहानी की तरह हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहां पैसों के लिए दो युवकों ने कैब ड्राइवर का गला घोंट दिया। बाद में इस हत्याकांड पर पर्दा डालने के लिए लाश को घर के आंगन में ही दफना दिया। राजधानी पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को वारदात के 11 दिन बाद ही सुलझा लिया। इस हत्याकांड के आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने गुरुवार को महिला क्रिकेट सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। नए कॉन्ट्रैक्ट में कुल 70 खिलाड़ियों को जगह मिली है। बता दें कि ए ग्रेड को 50 लाख, बी ग्रेड को 30 लाख और सी ग्रेड के प्लेयर को 10 लाख रुपए सालाना मिलेगा। सोशल मीडिया कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का काम करता है तो कुछ लोगों के लिए रोजगार का। आज लोग अपना अधिकांश समय अपनों के बजाय मोबाइल के साथ बिताते नजर आते हैं। इसी को लेकर हाल ही में एक सर्वे आया है। इस सर्वे में उन देशों के बारे में बताया है जो ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। बता दें कि पहले स्थान पर नाइजीरिया है। यहाँ के लोग रोज लगभग 4 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। बात करें भारत की तो भारत में लोग रोज 2 घंटे 44 मिनट ऑनलाइन रहते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 7 बजे खुलेंगे। मंदिर को 15 कुंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और जयकारों के बीच बद्रीनाथ धाम का कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से अब पूरी तरह चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है।